भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगी पर जल्द ही कसा जा सकता है शिकंजा। दाऊद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पर अमेरिका सहमत। 2+2 वार्ता में डी कंपनी और साथियों पर कड़ी कार्रवाई की जताई प्रतिबद्धता। आतंकी संगठनों को मद्देनजर रखते हुए द्विपक्षीय वार्ता 2017 का भी किया जिक्र। बैंकों ने 11 कंपनियों के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के दायर करने का किया फैसला। इन कंपनियों ने प्रयागराज पावर जनरेशन, जेएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी और जयप्रकाश पावर भी है शामिल। तेल की लगातार बढ़ती कीमत से राहत नहीं मिलने पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ भारत बंद का किया आह्वान। पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला ने बताया 10 सितंबर को सुबह 9 से शाम के 3 बजे तक चलेगा भारत बंद प्रदर्शन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोर्ट की अवमानना करने के 13 साल पुराने मामले में एक वकील को एक हफ्ते जेल में रखने की सुनाई। मामला है 2005 का। 55 वर्षीय वकील रामचंद्र ने कोर्ट में न्यायाधीश के ऊपर फेंकी थी डायरी। न्यायाधीश ने की थी कार्यवाही की मांग। भारतीय सेना और ब्यूरोक्रेसी के बीच बेहतर संवाद। कोऑर्डिनेशन के ट्रेनिंग के लिए सिस्टम को नियमित करेगी सरकार। प्रशासनिक अधिकारियों को भी आर्मी ट्रेनिंग जरूरी। वक्त आने पर दे सकेंगे सेना का साथ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कथित तौर पर धर्म परिवर्तन करने वाले एक केंद्र के संचालक सहित 271 लोगों के खिलाफ चंदवक थाने में मुकदमा किया दर्ज। इस संबंध में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता ब्रिजेश सिंह द्वारा धारा 156 के तहत न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र पर दिया गया आदेश। जापान में गुरुवार 6.7 तीव्रता के भूकंप से 10 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग घायल। पूर्वी जापान में भूस्खलन से कई लोग लापता। जेबी तूफान की वजह से 11 लोगों की हुई मौत। भूकंप की वजह से हालत काफी गंभीर। राहत और बचाव कार्यों में प्रशासन को करनी पड़ रही है काफी मशक्कत। इथियोपिया में मुख्य वायुसेना अड्डे से 50 किलोमीटर पहले हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। इस हादसे में 2 बच्चों और 2 महिलाओं समेत 18 की मौत की खबर इथियोपिया न्यूज एजेंसी द्वारा लगी पता। अमेरिका के सिनसिनाटी शहर में फाउंटेन स्क्वायर के पास स्थित बैंक में एक गनमैन ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर 3 लोगों को बनाया गोली का निशाना। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। आरोपी के ना मानने पर पुलिस ने उसे भी उतारा मौत के घाट। रूस और ईरान से होने वाली डिफेंस डील पर अमेरिकी प्रतिबंधियों से भारत को राहत प्रदान करने पर विचार कर रहा है अमेरिका। भारत दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने भारत को उनका बड़ा राजनीतिक भागीदार बताया। स्थानीय ज्वेलर की बढ़ी खरीदारी के चलते सोने की कीमतों में की गति तेजी दर्ज। सोना 110 रुपए की बढ़त के साथ 31,510 रुपए प्रति किलो 10 ग्राम के स्तर पर। दूसरी तरफ चांदी 200 रुपए बढ़कर 37,800 पहुंची। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर हुआ बंद। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सेंसेक्स 224 अंक बढ़कर 38,242 के स्तर पर, 60 अंक चढ़कर 11,536 पर कारोबार बंद। के कारोबार में रुपए ने डॉलर के मुकाबले 72 का आंकड़ा किया पार। बीते दिन रुपए ने डॉलर के मुकाबले 71.95 का स्तर टच हुआ। विशेषज्ञों का मानना है सितंबर तिमाही में रुपए छू सकता है 74 का आंकड़ा। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया था 13,000 रुपए का घोटाला। इसके और भयंकर परिणाम आए सामने। खासकर हीरा कारोबारियों के लिए ट्रेड क्रेडिट और रक पना होता जा रहा है मुश्किल। जेट एयरवेज ने पायलटों और इंजीनियरों के वेतन भुगतान में लगातार दूसरे महीने की देरी। पायलटों ने असहयोग की दी चेतावनी। जेट एयरवेज नकदी के संकट में लगातार 2 तिमाही से हो रहा है नुकसान।
कुआलालंपुर में खेले जा रहे एशिया कप क्वालिफायर्स के फाइनल मुकाबले में हांगकांग ने यूएई को मात देकर जगह की पक्की। हांगकांग अब एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में 16 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान से और 18 सितंबर को दुबई में ही भारत के खिलाफ खेलेगा मैच। पूर्व बल्लेबाज ब्रायन लारा ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और इंग्लैंड के जो रूट को मौजूदा वक्त का बताया बेस्ट बल्लेबाज। वहीं उन्होंने जेम्स एडरसन और किकोसी राबदा को इस वक्त का बेस्ट गेंदबाज बताया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने शेफ कप में जीत की दर्ज। टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका को 2-0 से हराया। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 20वें मुकाबले में 13वीं जीत दर्ज की। आर्या भट्ट और रणबीर कपूर स्टारकास्ट फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग इन दिनों बुल्गारिया में हो रही है। रणबीर और आलिया बुल्गारिया में ही हैं। फिल्म ब्रह्मास्त्र के सेट पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे और रणबीर व आलिया से ही की मुलाकात। अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे का इन दिनों कैंसर का चल रहा है इलाज। वे इससे पूरी एनर्जी के साथ लड़ने की कर रही है कोशिश। सोनाली ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो शेयर करते हुए बुक रीडिंग के बारे में दी जानकारी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने सुझावों को हमें कमेंट के जरिए